नमस्कार, मैं हूँ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। भारत में 400 भी ज्यादा छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। देश भर में बहने ही नदियों की कुछ न कुछ खासियत है, लेकिन आज हम आपको ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जो सोने की नदी कहा जाता है। जी हाँ, यह पानी में सोना मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सैकड़ों साल बाद भी वैज्ञानिकों को ये पता नहीं चल पाया कि इस नदी में सोना क्यों बहता है, यानी इस नदी का सोना वैज्ञानिकों के लिए भी अभी भी रहस्य है। हम बात कर रहे हैं झारखंड में बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी की। नदी में पानी के साथ सोना बहने की वजह से इसे स्वर्ण रेखा नदी के नाम से जाना जाता है। झारखंड में कुछ ऐसी जगह है जहाँ स्थानीय आदिवासी इस नदी में सुबह जाते हैं और दिन भर रेत छानकर सोने की कण इकट्ठा करते हैं। इस काम में उनकी कई पीढ़ियां लगी हुई है। तमाड और सारंडा जैसे इलाके ऐसे हैं जहाँ पुरुष, महिलाएं और बच्चे सुबह उठकर नदी से सोना इकट्ठे करने जाते हैं। ये नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहती है और इसका उद्गम झारखंड के रांची शहर से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। इस नदी से जुड़ी हुई एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि रांची स्थित ये नदी अपने उद्गम स्थल से निकलने के बाद उस क्षेत्र की किसी भी अन्य नदी में जाकर नहीं मिलती, बल्कि नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जानकारी के मुताबिक यहाँ रिसर्च कर चुके कई भू वैज्ञानिकों का मानना है कि ये नदी चट्टानों से होकर आगे बढ़ती है, इस वजह से इसमें सोने के कण आ जाते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात का आज तक पता नहीं लग सका। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए फसल क्रांति।